मुझे बहुत भूख लग रही है। फ्रिज में कुछ तो होगा। ओ नहीं, ये बस बदबूदार चीज का एक टुकड़ा है। मुझे बहुत भूख लगी है एंडी। हेलो दोस्तों, मेरे पास एक मेन्यू है, अपने लिए कुछ चुन लो। मुझे लगता है कि हमें फ्राइज ऑर्डर करना चाहिए। बुरा विचार नहीं है, ऐप से हमें ऑर्डर करने की जरूरत है। फ्राइज यहाँ है, एक सर्विंग मंगाते हैं। तुम इतनी कंजूस क्यों हो रही हो, हमें और खरीदना चाहिए। बस एंडी, हमने फोन गिरा दिया। शुक्र है कि सब ठीक है, यहाँ पहले से ही 10 सर्विंग्स हैं। मेरी राय में तुम गलत हो, ध्यान से देखो, 10 नहीं 100। यहाँ कुरियर आ गया है। नमस्कार, मैं आपका ऑर्डर ले आया हूँ। आओ देखिए कि वहाँ क्या है। इतने सारे फ्राइज। मुझे आशा है कि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि आप हमारी मल्टीलेयर चुनौती में हैं। ओह, मैं देख रही हूँ कि कोई अभी से ही बहुत बदकिस्मत निकला। बेचारा एंडी, यह अच्छा है कि मेरे पास एक मिर्च है। मुझे भी तुमसे ईर्ष्या हो रही है जेन। मुझे ये सब क्यों चाहिए? मैं ऐसी चुनौती में भाग नहीं लेना चाहता। जेन, तुम शुरू करो। मैं मानती हूँ मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी मिर्च से छुटकारा पा लूं। और यह उतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल रही है। नहीं, कितना तीखा है, मेरे मुंह में आग लगी है। ओह, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जल गया। एक आइडिया है, मुझे तुम्हें पानी से स्प्रे करना होगा। रुको। हाँ एंडी, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, धन्यवाद। अब तुम बार्बी। लेकिन मुझे ये नहीं खाना है। तुम्हें खाना होगा। ठीक है, तुमने मुझे मना लिया। मैं इसे जल्दी से करने के लिए एक साथ कई मिर्च खाने की कोशिश करूंगी। खैर, मैंने 3 का मुकाबला किया, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। ओह, ये कितने तीखे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ जल्दी ही आग लग जाएगी। तुम अच्छा कर रही हो बार्बी, यह एक बोनस है। एंडी, यह नई मिर्च क्यों है? मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हैं। इसे लो। ऐसा लगता है कि मेरी योजना विफल हो गई है। अरे नहीं, यह शुरू हो रहा है। मदद करो, मेरे कानों से भाप निकल रही है। ओ, मेरे मुंह में आग लग गई है, मैं और नहीं सह सकती। मेरे पास आग बुझाने वाली मशीन है। कितना गीला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माफ करना, मैं बस मदद करना चाह रहा था। सब कुछ ठीक है, मुझे अच्छा लगा। अब तुम शुरू करो खाना एंडी। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। वो कहाँ है? हमें उसे वापस लाने की जरूरत है। बैठ जाओ और शुरू करो। लेकिन मैं तीखी चीजें नहीं खा पाता। ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। यहाँ गर्मी हो रही है, मैं जल रहा हूँ। मुख्य बात है रुकना नहीं है। जल्द से जल्द सब कुछ खाने की जरूरत है। हर बाइट के साथ तापमान बढ़ रहा है। कितना बुरा, मैं हार नहीं सकता। चलो एंडी, बस खत्म होने ही वाला है। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहरी अंतरिक्ष में। यह देखने लायक है, मैं हमेशा से एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था। सपने सच होते हैं यार। कितने सारे गम, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी एक बड़े हिस्से के साथ ज्यादा खुश होता, लेकिन मेरे पास केवल एक पैक है। खैर, इसे खाने का समय आ गया है। यह देखने की जरूरत है कि अंदर कितने गम हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सावधान रहो एंडी, तुमने पैकेज को मेरे चेहरे पर फेंक दिया है। स्वादिष्ट लग रहा है, यह गम बहुत रंगीन है, मुझे यह पसंद है। हो गया, मैंने सभी अनावश्यक चीजों को हटा दिया है। मुझे निश्चित रूप से अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर से, बस मैं से थक गई हूँ। एंडी, यह लो। किस लिए जैन? अब से तुम अधिक चौकस रहोगे। कुछ भी मेरा मूड खराब नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा गम चबा रहा हूँ। देखो, मैंने कितनी खूबसूरती से इसे बिछाया है। अब इसे खाने का समय है। कितना स्वादिष्ट, मुझे पता था कि ये मुझे पसंद आएगा। अब ये बबल उड़ाने का समय है। एंडी, हमें दिखा। देखो मैं कर रहा हूँ। अब मैं इस गेंद से खेल सकता हूँ। शाबाश, यह एरोबेटिक्स है। गम को आजमाने की मेरी बारी है। पहला कदम है पैकेजिंग को हटाना। तैयार। वाह, बहुत खूब जेन। यहाँ आओ स्वादिष्ट गम, मेरे मुंह में।
मुझे पसंद है। यम्मी। तुम्हें यह दिखाने का समय आ गया है कि बुलबुले कैसे उड़ाए जाते हैं। शायद रुकने का समय है जैन, यह सुई मेरी मदद करेगी। मेरे चेहरे पर गम, कितना बुरा, मैं इसे कैसे हटा सकती हूँ? अब जैन के पास भौंए नहीं है। नहीं, मैं भयानक लग रही हूँ, मुझे तुरंत अपनी भौंओं को उसकी जगह पर लगाना होगा। यह अच्छा है कि वे यहाँ है। अच्छा किया, अब तुम फिर से अपनी जैसी दिख रही हो। अब केवल तुम बची हो बार्बी। मैं तैयार हूँ, सबसे पहले मैं सभी रैपर उतार देती हूँ। हो गया, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वाह प्रभावशाली, मेरे पास तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुंह में कितने गम फिट हो सकते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ यह एक विश्व रिकॉर्ड होगा। वाह, क्या तुम सबसे बड़े बबल देखने के लिए तैयार हो? मैं शुरू करती हूँ। अब तुम जा रही हो बार्बी। वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। मदद करो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे वापस पृथ्वी पर ले आओ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अद्भुत फ्रेंच फ्राइज, आखिरकार मैं खा सकती हूँ, कितना बड़ा हिस्सा है। मेरे पास भी कुछ है, जेन की तरह नहीं। ये सही नहीं है, केवल एक आलू। निश्चित रूप से मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती। यह कितनी क्रिस्पी है, बहुत अच्छा। मैंने इसे बहुत जल्दी खा लिया। अब मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ शेयर करो एंडी। नहीं, सपने भी मत देखो, सारे आलू मेरे हैं, मैं एक भी स्टिक नहीं छोड़ूंगा। स्वादिष्ट, मुझे फ्राइज बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ एंडी, मुझे यकीन है मुझे भी अपना हिस्सा पसंद आएगा। अब बातें बहुत हो गई, समय आ गया है अपने मुंह को और अधिक महत्वपूर्ण चीजों में व्यस्त रखने का। तुम लोग सही थे, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम हम भी थोड़ा दोगी? तुम क्या कर रहे हो एंडी, ये मेरे फ्राइज है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। हमें तुम्हें सबक सिखाना होगा बार्बी। मैं इस केचप को टबेस्को के साथ बदल देता हूँ। आओ देखिए कि उसे यह सॉस कैसा लगता है। बार्बी, यह तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे केचप के साथ फ्राइज बहुत पसंद है। मैं और डालूंगी, मुझे यकीन है कि मुझे यह पसंद आएगा। वो अभी पता चल जाएगा। मैंने डब्बा खाली कर दिया, अब इसे चखने का समय है। सॉस के लिए धन्यवाद, फ्राइज बहुत रसदार है, लेकिन मुझे तीखापन कहाँ से महसूस हो रहा है। मेरे मुँह में आग लग गई है, बचाओ। ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा अधिक कर दिया, हमें फिर से फायर एक्सटिंग्विशर मंगवाना होगा, इससे निपटना इतना आसान नहीं है। एंडी, तुम्हारी वजह से हम सब झाग में हैं, और मेरे फ्राइज भी। आशा है कि कम से कम कुछ बचा हो। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि फोम के नीचे केवल कोयले हैं, ये सही नहीं है। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। हाई फाइव जैन, मजा करना चाहते हो, ये लो। पता नहीं कौन सी स्वादिष्ट चीज हमारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी पता लगाते हैं। वाह, यह प्रिंगल्स है, मुझे चिप्स बहुत पसंद है। मुझे क्या मिला है? मुझे भी चिप्स मिले हैं, हालांकि ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे चिप्स असली हैं और तुम्हारे चिप्स चॉकलेट के बने हुए हैं। हम दोनों बहुत किस्मत वाले हैं। मैं जल्द से जल्द ये चिप्स खाना चाहती हूँ, ये स्वादिष्ट और मजेदार है। देखो मैं एक बत्तख की तरह दिख रही हूँ। पर खेल बहुत हो गया, अब इन सारे स्वादिष्ट चीज को खाने का समय आ गया है। उफ, ये डब्बा, इसे इतना संकरा क्यों बनाया गया है? इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। जब तक तुम इसमें उलझी हुई हो, मैं अपने चॉकलेट चिप्स को खाती हूँ। मैं भी ये खाना चाहती हूँ, मुझे इसे चुराना होगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये मेरे चिप्स हैं। तुम्हारे चिप्स को चुराने के लिए। ओह, ये क्या हो गया, बेकार डब्बा। उफ, लालच कभी अच्छाई की ओर नहीं ले जाता। अब बिना हाथ के बैठो। नहीं, मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। जरूरी बात है अपनी उंगली को बचा कर रखना, नहीं तो वो कट जाएंगे। वाह, तुम्हारी योजना काम कर गई, धन्यवाद। वैसे हाथ कट सकता था।
आशा करती हूँ कि इस बार हमें फिर से कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। वाह विशाल चॉकलेट मछली, अगर तुम्हारे पास चॉकलेट है तो मेरा। अरे असली, लेकिन मैं कच्ची मछली खाना नहीं चाहती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है उतना खराब ना हो और मैं इसे खा सकूं? नहीं, ये बहुत ही घिनौनी और बदबूदार मछली है। छी। हाँ बदबूदार, मुझे भी तुम्हारे मुंह से गंध महसूस हो रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्वादिष्ट चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे भी अपने लिए कुछ चॉकलेट चाहिए और इसके लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। न्यूटेला इसमें मेरी मदद करेगी, इससे मैं अपनी मछली को ढक देती हूँ। अब बस इस मछली को बदलना है। देखो लिंडा वहाँ क्या उड़ रहा है। बस हो गया, अब मैं स्वादिष्ट चॉकलेट मछली को मजे से खा सकती हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम मेरा ध्यान क्यों भटका रही हो? छी, मेरे पास असली मछली क्यों है? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे वाह कितना बढ़िया, असली कॉस्मेटिक। अगर तुम्हारा असली है तो मेरा स्वादिष्ट चॉकलेट होगा। हाँ यह है। मुझे नहीं पता तुम्हें चॉकलेट कॉस्मेटिक क्यों चाहिए, मुझे लगता है सामान्य मेकअप मिलना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसे तुम खुद राजकुमारी की तरह बन सकती हो। हाँ पॉली तुम्हें तो मेकअप की जरूरत है। चुप रहो लिंडा, आज मैं खूब मेकअप करूंगी। यह तुमने क्या किया, क्या तुम्हें मेकअप करना आता भी है? हाँ लेकिन क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं तो एक जोकर की तरह लग रही हूँ, कितना भयानक। चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। लिंडा इसे अपने पेशेवर हाथों में लेती है। कितना सुंदर, तुम कमाल की लग रही हो। रिजल्ट देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये तुमने क्या किया, अब मैं पूरी चॉकलेट लग रही हूँ। मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। अरे अपना हाथ हटाओ, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बदसूरत मत बनाओ। क्या क्या मिला है? आलू। मैं इसका क्या करूंगी, मुझे नहीं पता कि कच्चे आलू के साथ क्या करना है, लेकिन चॉकलेट फ्राइज के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे भी यह चाहिए, पर यह तुम्हारे पास नहीं है, और अब मैं चॉकलेट फ्राइज को खाऊंगी चॉकलेट कोक के साथ। वैसे मैंने अभी तक चॉकलेट कोला नहीं खाया है, अभी मैं इसे पहली बार आजमाऊंगी। मुझे भी दो ना प्लीज। नहीं लिंडा, तुम अपने कच्चे आलू खाओ। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर हंसने का क्या मतलब होता है। यह लो, तुम्हें बस मुझसे ईर्ष्या हो रही है, तुम्हें कुछ स्वादिष्ट नहीं मिला है इसलिए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, एक साधारण आलू से भी बहुत स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज। ऐसा करने के लिए मुझे आलू को छोटे स्लाइस में काटने की जरूरत है, इसके लिए मुझे अपना निंजा स्किल को अपनाना होगा। काम का पहला भाग हो गया, अब बस इसे आग पर भूनना रह गया है। अच्छी सुगंध आ रही है, बेशक क्योंकि तुम्हारी आंखों के ठीक सामने एक असली फ्रेंच फ्राइज है, मैकडॉनल्ड से मेरा पसंदीदा खाना। वाह मैंने पहले कभी चॉकलेट चम्मच नहीं देखा, और मेरे पास एक असली चम्मच है, मैं इसका क्या करूंगी? तुम इससे चॉकलेट खा सकती हो। ओ हाँ मेरे पास पूरा चॉकलेट है, अब यह समय है इसे खाने का। ये कितना स्वादिष्ट है, पर मैं अब कुछ पीना चाहती हूँ, और इसके लिए दूध सही रहेगा।
खासकर दूध अगर चॉकलेट के साथ हो। शानदार, अब मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह खा और पी सकती हूँ। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने एक अच्छी कॉकटेल बनाई है। शायद मेरा चम्मच भी खाने लायक हो। ओह नहीं, कितना दर्द हुआ। ओह लिंडा, तुम्हारे दांत टूट गए हैं। कोई बात नहीं, पॉली डेंटिस्ट तुम्हारी सेवा में हाजिर है। अपना मुंह खोलो, अब मैं तुम्हारे दांत ठीक कर दूंगी। हो गया, अब ये पहले की तरह नहीं बल्कि उससे कहीं बेहतर हो गए हैं। बधाई हो। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। क्या क्या कर दिया तुमने? अब मैं खरगोश की तरह लग रही हूँ। वैसे ये अच्छा आइडिया है, बस कुछ चीज को जोड़ने की जरूरत है। वाह, मुझे चॉकलेट कैक्टस मिला है। यह चुभते नहीं है, पर मेरा असली कैक्टस है। शायद ये उतना कांटेदार नहीं हो। अरे नहीं, ये बहुत कटीला है। इस दौर में तुम किस्मत वाली नहीं निकली। क्यों? मैं ये कैक्टस वैसे भी नहीं खाऊंगी, मैं इसे पी लूंगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। छी, ये एकदम बेकार है, पर किसी तरह मैंने यह कर लिया। अब इसे यहाँ से हटा देती हूँ, मेरा काम हो गया। और यहाँ खाने के लिए कुछ है, मेरी चॉकलेट की तरफ देखना भी मत। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं अपना कैक्टस खुद पूरा खाना चाहती हूँ। अगर तुम इतनी लालची हो तो तुम्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया है। देखो वहाँ घोड़ा उड़ रहा है। तुम कितनी भोली हो, जब तक तुम उस घोड़े को खोज रही हो तब तक मैं तुम्हारे चॉकलेट को तीखा चॉकलेट में बदल दूंगी। कहाँ, वहाँ कोई घोड़ा नहीं है। आह, तुमने इसमें क्या किया है? मैं जल रही हूँ। आग, मैं बस चॉकलेट खाना चाह रही थी। वैसे पिघली हुई चॉकलेट भी ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी? नहीं। अब तुम फूक में लिपटी हुई लग रही हो। इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। मुझे ये तीखा पिज्जा मिला है और मुझे ये चॉकलेट पिज्जा। देखो इसमें कितने सारे ट्रीट्स हैं। तुम किस्मत वाली हो, पर मुझे इस बेकार पिज्जा को खाना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि ज्यादा तीखा ना हो। बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, पर बेशक ये अभी भी एकदम बेकार है। लिंडा, मुझे भी अपने चॉकलेट पिज्जा दो ना खाने के लिए, प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। नहीं, तुम्हारे पास अपना एक बड़ा पिज्जा है जिसे तुमने अभी तक खत्म नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। यदि तुम शेयर नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें भी ये पिज्जा नहीं मिलेगा। तुम्हारी चॉकलेट मेरे हेयर ड्रायर को संभाल नहीं सकती। ये सही हुआ। तुमने मेरी चॉकलेट क्यों पिघला दी? पर इससे चॉकलेट खराब नहीं हुई है, ये मेरे लिए अभी भी अच्छा है। लगता है मेरी योजना काम नहीं की। हाँ हाँ, नॉम को सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको मजेदार और दिलचस्प चुनौतियाँ मिलेंगी। हमारे साथ बने रहें, नए वीडियो के साथ जल्दी फिर मिलेंगे।